अस्सलाम वालेकुम वर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है फ़िश बिरयानी। आज मैं आप लोगों को फ़िश बिरयानी बनाना बताऊंगी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बने बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करा करें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले देखने को मिले। और मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलें फिर हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 1 किलो मछली ली है, पिसी हुई हरी मिर्चें हैं, 3 हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने पेस्ट बना लिया, लहसुन पेस्ट, अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा हमें फूड कलर की ज़रूरत है, लेमन जूस, 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून मिर्चें, 1/4 टीस्पून हमने हल्दी ली है, 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है और 1 टीस्पून हमने मेथी ली है। यहाँ हमारे पास 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, टमाटर, लेमन, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, गरम मसाला, नमक, मिर्चें, चावल और ये ऑयल, ये सब चीज़ें हमारी हैं चावलों के लिए। और ये जो चीज़ें हैं इससे हम मैरिनेट करेंगे मछली। तो सबसे पहले हम मछली को मैरिनेट करते हैं, उसके बाद बाकी रेसिपी आप लोगों को बताएंगे। मेरी रेसिपी पूरी देखें ताकि आप लोगों से कोई स्टेप मिस ना हो। हमने एक बॉल ले लिया, बड़ा बॉल, इसमें हम 1 टीस्पून हमने हरी मिर्च पेस्ट डाला है, 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक, हल्दी 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून मेथी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकती हैं। ये 1 टेबलस्पून हमारे पास लेमन जूस है, इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, फूड कलर डालेंगे, फूड कलर भी ऑप्शनल है अगर आप लोग डालना चाहें। इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है और जो ये मछली के पीस हैं इसको हमने मैरिनेट करना है। सारी मछलियों पर मैं इस तरह से लगा लूं। ये देखें मैंने सारे मछली के पीसों को ये मसाला लगा लिया है इस तरह से, और ये जो कॉर्नफ्लावर है इसे हम डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसको हम रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि क्या करना है। तो हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे और दूसरी तरफ मैंने चावल भी बो दिए। जितनी देर में मछली मैरिनेट होगी चावल भी भीग जाएंगे, और जो ये टमाटर है इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। फिर उसके बाद जो रेसिपी है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। 1 घंटा हो गया चावल भीगे हुए, अब हम इसको उबालेंगे। यहाँ हमने कढ़ाई में पानी रखा है उबलने के लिए, 2 टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे, पुदीना डालेंगे, दालचीनी की स्टिक डालेंगे, 2-3 ये बादियान के फूल हैं, 2 छोटी इलायची और 1/2 टीस्पून जीरा। इसे अच्छी तरीके से उबाल आने देंगे, फिर हम इसमें चावल डालेंगे। पानी बॉयल हो गया, अब हम इसमें चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बॉयल, इसे 1 कली हम चावलों को कच्चा रखेंगे, 90% हमने चावलों को गलाना है। इस पॉइंट पे आपने नमक चेक करना है, पानी में थोड़ा सा नमक तेज हो तभी चावल अच्छे बनते हैं। बिरयानी में थोड़ा सा नमक तेज डाला जाता है, पानी ज़्यादा होने की वजह से इसमें नमक की क्वांटिटी हम ज़्यादा डालते हैं। अगर आप लोगों को कम लगे तो आप लोग इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने लेमन जूस डालना है, अगर सिरका हो तो आप लोग सिरका भी डाल सकते हैं, इससे चावल टूटते नहीं है। देखें चावल हमारे गल गए हैं, और ये देखें इसमें 1 कली है हल्की सी चावलों में, बाकी ये गल गए। अब हम इसे निथार लेंगे फिश फ्राई कर रहे हैं। यहाँ मैंने
फ्राई पैन रख दिया चूल्हे पे और मैं इसे शलो फ्राई करूंगी। अब हम फिश डालेंगे ज़्यादा पानी में ही। चार मिनट के लिए हमने इसे फ्राई करना है, दो मिनट यहाँ से पकाना है, फिर दो मिनट इधर से पकाना है। ये हमने पलट ली मछली, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लूँ मछली के पीस, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मछली हमने फ्राई कर ली, अब इसके जो तेल मैंने मछली का इसी में मैं मसाला बनाऊँगी। एक तेज़पात डाल लेंगे, दालचीनी का टुकड़ा, तीन चार लौंगें, एक बड़ी इलायची, दो सब्ज़ इलायचियाँ, आठ दस दाने काली मिर्चों के और हाफ हाफ टी स्पून ज़ीरा डाला है। चौक प्याज डाल देंगे, प्याज को हमने थोड़ा फ्राई करना है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। टी स्पून लहसुन पेस्ट, अदरक का पेस्ट, एक चम्मच किसी भी हरी मिर्ची, अब हम किसी के मसाले डालेंगे। मिर्ची नमक आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून मिर्ची ली है, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया लिया है। साथ ही हमने ये जो टमाटर लिए थे इसका पेस्ट भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ये पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं, और हम 4 टेबलस्पून दही डालेंगे इसमें। इसमें मैं बिरयानी मसाला डालूंगी, ये होममेड बिरयानी मसाला है, मैंने आप लोगों को बनाना बताया हुआ है। इसमें मैं 1 चम्मच भर के डालूंगी, इसमें आप डाल सकते हैं। आप ये मेरे मसाला मैंने बनाना बताया है मेरी रेसिपी में, चैनल पे देख सकते हैं मेरी रेसिपी। और इसी में मैं 3-4 आलू बुखारे डालूंगी ताकि हमारा मसाला मज़ेदार बने। मसाला अच्छी तरीके से हमारा भून गया है, अब हम मछली के पीस इसमें लग डालेंगे। ताकि इसके अंदर भी मसाले का टेस्ट आ जाए। और इसे मैं ढक के बिल्कुल स्लो आंच पे मैं इसे 5 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी। थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया और पुदीना डालूंगी, 2 ये हरी मिर्ची डालूंगी इसमें और इसे दम पे लगाएंगे हम। अब मैं इसे उतार दूंगी। अब हम बिरयानी में दम लगाते हैं, थोड़ा सा हम इसमें नीचे ऑयल डालेंगे और ये देखें चावल हमारे जुड़े नहीं है, खिले खिले चावल है। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था और इसको इस तरीके से मिक्स कर दिया था, इस तरह से चावल जुड़ते नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम चावल की एक ट्रे लगाएंगे और इसे फैलाएंगे। अब हम पहले मछली के पीस रखेंगे, एहतियात से हमने ये मछली के पीस उठाने हैं। ये देखें इस तरह से हमने जब सालन में डाला था तो मछली को पलटा नहीं था, वो इसलिए कि जब हम इसके ऊपर मसाला डालेंगे तो ये अच्छी तरीके से मसाले में मछली हो जाएगी। इस तरीके से हमने पीस रखने हैं, अब हम इसमें मसाला डालेंगे इस तरह से। ये देखें
सारा मसाला अच्छी तरीके से हमने चावलों पे डाल देना है। दूसरी तेल हमने चावलों पे लगानी है। धनिया पुदीना डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, फूड कलर डालेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, घोल के भी आप लोग डाल सकते हैं और इस तरह भी डाल सकता है, जिस तरह से आपको सही लगे। थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से ऑयल डाल देंगे और इसे हम ढक के रखेंगे। 1 टीस्पून के करीब हमने लेमन जूस डालना है और इसे हम दम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 15 मिनट हो गए, अब हम इसका दम खोल रहे हैं। माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनके तैयार हुई है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हम मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम अपनी बिरयानी आपको सर्व करके दिखाते हैं। बहुत ही हल्के हाथ से हमने चावल निकालने हैं। ये देखें, और ये इस तरीके से हमने चावल निकालने हैं। माशाल्लाह से हमारी फिश बिरयानी तैयार है और यकीन जाने इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक बार ज़रूर मेरे कहने से इस रेसिपी को आप लोग बनाएं, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा और आपके घर वाले बहुत ही खुश होंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ, बहनों के साथ और बेटियों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।